नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम जा रहे हैं लखनऊ में, पहली बार मार्केट घूमने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अमीनाबाद, मेरे भाई की शादी है नेक्स्ट वीक, उसके लिए कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी है हम लोग को। तो ऋषेश के लिए कुर्ता लेना है, मेरे लिए मुझे लहंगे के लिए चुनरी लेनी है। अरे लहंगे से आया यार, लहंगे का वो लेना है, ब्लाउज है। तो हम जा रहे हैं अमीनाबाद, देखते हैं वहाँ का कैसा है मार्केट वार्केट। नवाबों के शहर में आए हैं तो थोड़े नवाबीगिरी करते हैं, दुकान पे जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है वहाँ पे। रास्ते में अपडेट देती हूँ मैं आप लोग को, जो भी है रास्ता वास्ता कैसा है। हम बीच में एक बार गए थे, मैं घूमी तो हूँ यहाँ पे, मैं बीच में गई हूँ इमामबाड़ा, तो कुछ खास नहीं है यार। या तो ये कह लो कि शायद मैं गर्मियों के मौसम में गई हूँ तो इसीलिए इतनी तेज गर्मी थी। पर हाँ, इमामबाड़ा में तो कुछ नहीं है घूमने का, उसी में पांच जगहें हैं। एक तो पिक्चर पैलेस करके है, ये आप इमामबाड़ा में जाओगे आपको पांच जगहों पर टिकट मिलेगा, 50 रुपीज का टिकट है। उसमें भूल भुलैया, मुझे लग रहा था ग्रीनरी होगी, वो पेड़ों वाली भूल भुलैया होगी, वो एक बिल्डिंग के ऊपर ही रास्ते हैं, वो भूल भुलैया है, हो सकता है गर्मी की वजह से लगा हो मुझे। अमीनाबाद जा रही हूँ, वहां जाके दिखाती हूँ मार्केट कैसा है। सी यू। एंट्री कर चुके हैं अमीनाबाद मार्केट में। यार अभी कहीं पे भी लखनऊ में अगर आपको बाइक से कार का कोई भी सर्विस वगैरह करना है ना, पीछे यहाँ पे पूरा बड़ा मार्केट था, तो मेरे ख्याल से अमीनाबाद बेस्ट जगह है अगर आपको बाइक या कार अपनी कभी दिखानी हो तो। अब शुरू हुआ है प्रॉपर मार्केट। यार आई तो ऋषेश के साथ हूँ पर वो मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है व्लॉग में। ये है अमीनाबाद की गलियां, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, अभी थोड़ा घूम रहे हैं। देखो मैं दिखाती हूँ, बुक स्टॉल वगैरह जो वीडियोस में दिखाया था बिल्कुल वैसा ही है, और ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ना ये मिनी सरोजनी अट्टा, मिनी नोएडा जैसा ये सारा है, वो ये पूरा एरिया वही है, तो शॉपिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। हर तरीके की चीज है यहाँ पे, कपड़े हैं, बुक्स हैं, अभी टेबल चेयर जिसको वो भाग रहे हैं, वो भाग गया, वो मेरे पास आना नहीं चाह रहा गाइस। देखो मैं दिखाती हूँ, ये है पूरा का पूरा मार्केट। वो अंकल रिक्शे वाले, इसके लिए कुर्ता पजामा लेना है, पूरी की पूरी मार्केट है। अरे कैसे कीचड़ हो रही है, पूरी बारिश हुई थी तो इसलिए। इसके संग के लिए मुझे एक लेना है दुपट्टा, ये मैं पहनने वाली हूँ शादी में, तो येलो शायद जाए ना जाए पता नहीं, भैया को बोला कुछ अच्छा सा दिखाने। ये जाएगा इसके ऊपर, एक बार रख के दिखाइए। जाएगा, मजा नहीं आ रहा, नहीं जा रहा, ये चीज अलग है, मतलब ना उससे वो दब रहा है, ये दब रहा है इससे। एक बार को ये वाला ऑप्शन रख सकते हैं, बाकी ये तो नहीं, ये हटा दीजिए। और भैया और दिखाओ ना प्लीज कोई, ये देखो व्हाइट में भी चलेगा मुझे, कुछ व्हाइट में कुछ हैवी सा पैटर्न है। ऋषिक ज्यादा दूर खड़ा हुआ है अभी वहाँ पे, मैं अभी देख तो रही हूँ, मेरा ब्लाउज, हाँ मेरा ब्लाउज वहाँ रखा है। है 3 नंबर गली, यहाँ पे इंडियन वेयर, ये देख रहे हो छोटा छोटा मार्केट। मैंने अभी जो जहाँ से मैं शॉप दिखा रही थी वहाँ पे दुपट्टे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे दुपट्टों के ऑप्शन कम है, पर वो शॉप पे काफी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, नॉर्मल दुपट्टे, ये देखो चप्पले वगैरह है ना। ऋषेश के लिए कुर्ता मुझे अभी तक नहीं मिला है, वो कब से देख रही हूँ। कुर्ता देखने जा रही हूँ, वो चिकन का नहीं होता है जिसमें सितारे सितारे से रहते हैं थोड़ा सा, वो मुझे ऑप्शन वो मुझे मिल नहीं रहा है। अभी अंकल, उन्हीं अंकल ने बताया था आप 1 नंबर गली में जाओ, तो मैं 1 नंबर गली में जा रही हूँ। लखनऊ में आके एकदम दिल्ली वाली फील आ रही है, ऐसी छोटी छोटी गलियों में है मार्केट, देखो पीछे। वहां से निकल के अब मैं चिकन, ऋषेश का एक चिकन का कुर्ता लेना है, त्योहार तो आ ही रहे हैं, कभी ना कभी तो पहनने को मिल ही जाएगा यार, शादी में नहीं पहनेगा तो। ये कौन सी गली है भैया, दूसरी है, पहली गली वाली बोली थी।
नहीं तो आप क्या समझ रहे आपको अंकल, मुझे आप मिल ही नहीं रहे जिस टाइप के मुझे मुझे लड़कों में भी थोड़ा ऐसे वाले चाहिए, मिल ही नहीं रहा। बहुत ज्यादा भी उसमें चमक चमक ना हो लेकिन हल्की फुल्की तो हो। बात तो सही कह रहे हो, इतना महंगा कहेंगे उतना महंगा। नहीं महंगा नहीं कह रहे हमने, मैं इसे दो बार पहना होगा। अरे वो कपड़ा कौन पहनता, कोई नहीं पहनता, कोई मतलब नहीं है अंकल पैसे बर्बाद करने से। एक दो बार तीन बार पहन ले बस अभी। यार ये सूट है प्रॉपर प्रॉपर कुर्ती है। क्या प्राइस होगा इसका, रेंज इसका 5250। अंकल ये तो थोड़ा वैसा हो गया अंकल, ये नग वग वाले जैसे नहीं चाहिए हमें। ट्राई करे चिकन का, ये भी कहते हैं लेकिन ये कलर तो बहुत सूट कर रहा है मुझे तो। लेकिन आया वो चीज है हाँ। अगर हमको अगर जाना होगा अमीनाबाद हाँ। तो कहाँ जा रहे हो तो हम मालूम कहेंगे भैया जा रहे चार बार। क्यों सही पता किसी को बताने नहीं चाहिए किसी है ये अंकल, आपने सही बात बताई, मैं सही कह रहा हूँ। सब बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपने मुझे ना एक सीख दी, मैं याद रखूंगी इसको। एक बार ये कलर और पहन के देख लो, ये और अच्छा लग रहा है मुझे है? ये जबरदस्त लग रहा है हाँ, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कभी कभी कुछ होते हैं और तो फिटिंग अच्छी है ना, अलग है थोड़ा अलग है बाकी कपड़ों से स्ट्रेट। ये इसी का ही तो भाई है, एक ही है शायद, डिजाइन अलग है। देखो एक बार ये ट्राई भी नहीं करोगे? अच्छा ऊपर से लगा के दिखा दो एक बार मुझे तो। ये ज्यादा अच्छा है हाँ? ब्लू वाला नहीं, ग्रीन। अरे पजामे से तो बढ़िया लगेगा ना। ठीक है हाँ? हाँ, अंकल इसमें डिस्काउंट तो होगा ना कुछ? नहीं अच्छा ये आप पहले समझ में लेने के बाद पसंद कर ले उसके बाद डिस्काउंट। नहीं नहीं वो ऐसे तो अगर वरना फिर मैं पहले ही बोल देती अंकल इतने रुपए का ही दिखाओ, इससे ऊपर मत दिखाओ। मैं तो ऐसा कुछ बोली नहीं, वो अच्छा लगेगा कुछ मैं हूँ अभी वो देख कर पार्क है ना मायावती ने जो ना उसके आगे अमीनाबाद से वापस आ गए थे और शॉपिंग वॉपिंग कर ली मैंने, लहंगे के लिए चुनरी ले ली, विशेष के लिए बहुत अच्छा कुर्ता पजामा पसंद करा है वो ले लिया। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रात हो गई है घूमते घूमते। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और मे बी वो सीधा शादी पे ही शुरू होगा क्योंकि कल परसों में सुबह टाइम नहीं है, फिर मेरा रात में ट्रेन से मुझे निकलना है। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक बाय, टेक केयर, नमस्ते।